वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। और आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई मलयालम फिल्म यानी कि लूका के बारे में, स्टारिंग टॉविनो थॉमस और हाना कृष्णा, जहां पर फिल्म के हिंदी डब वर्जन को आज से कुछ दिनों पहले एडिवाइस डिजिटल मीडिया के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करवाया गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब इस फिल्म को देखकर इसका रिव्यू कर दिया जाए। आप सभी का काफी सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, तो आप सभी को बताया कि मैं कभी भी डायरेक्ट हिंदी डब फिल्म नहीं देखने जाता हूँ। कोई बहुत बड़े बैनर की हो तभी मैं देखने जाता हूँ, जहां पर एक भरोसा रहे कि डबिंग वगैरह काफी अच्छी हुई होगी, अदरवाइज मैं डायरेक्ट ओरिजिनल वर्जन देखता हूं। तो मुझे पता था कि इसका ओरिजिनल वर्जन जो है Amazon Prime Video पे अपलोड हुआ था, तो मैं सीधा वहां पर गया, पर सर्च करने पे मुझे फिल्म मिली नहीं। गूगल सर्च करके गया तो पता चला कि अब वहां से इस फिल्म को हटा दिया गया है। तो बाद में मैंने सोचा कि चलो अब नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं, हिंदी डब वर्जन को देखकर उसका रिव्यू करते हैं। पर वहां जाके मुझे पता चलता है कि हिंदी डब वर्जन के रन टाइम में और ओरिजिनल वर्जन के रन टाइम में तकरीबन 20 से 24 मिनट 27 मिनट समथिंग का फर्क यहां पे दिख रहा था, जिसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि ना भाई अब मैं इस फिल्म को नहीं देखने वाला हूं। पर फिर भी फिर शाम को मैंने इधर उधर थोड़ा बहुत सर्च किया तो पता चला कि ये फिल्म एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपलोड हुई है, जिसका नाम है मनोरमा मैक्स नाम का एक मलयालम ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जहां पर जाने पर मुझे पता चला कि वहां पर ये जो फिल्म है मौजूद है, पर उसका जो सब्सक्रिप्शन था वो बहुत ही महंगा था। ₹500 देकर आपको सिर्फ और सिर्फ ईयरली सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो एक्सपीरियंस था मेरा उस ओटीटी प्लेटफॉर्म का वो भी कुछ खास अच्छा नहीं था। तो मैं अपनी तरफ से तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसका सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि ₹500 के हिसाब से वो ओटीटी प्लेटफॉर्म उतना अच्छा नहीं है। वहां पर सारे कॉन्टेंट में आपको सबटाइटल्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, जिस तरह से सन नेक्स्ट पे होते हैं काफी सारे फिल्मों के सबटाइटल्स नहीं होते हैं, तो बिल्कुल उसी किस्म का एक और ये प्लेटफॉर्म है। तो जब मैं फिल्म को देख रहा था तो अक्सर ओरिजिनल वर्जन देखते वक्त मैं यूट्यूब या फिर हिंदी डब वर्जन पे स्विच करता हूँ कंपेयर करने के लिए। तो जब मैं कंपेयर करने के लिए एडिवाइस डिजिटल मीडिया के यूट्यूब चैनल पे गया तो वहां पे पता चला कि फिल्म अब वहां पर नहीं है। कुछ लिंक्स वगैरह पे क्लिक करने पे मुझे पता चला कि फिल्म अब उनके चैनल से ब्लॉक करवा दी गई है। MMTV प्राइवेट लिमिटेड समथिंग कोई कंपनी है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म उनके चैनल पे वापस आ जाए जब ये कॉपीराइट का इशू वगैरह सॉल्व हो जाएगा। और कहीं ना कहीं शायद ये MMTV जो है ये मैक्स ही हो सकता है, मुझे कंफर्म तो नहीं पता, पर शायद ये ही होगी जहां से मैंने इस फिल्म को देखा है। पर खैर कोई बात नहीं, जब ये फिल्म आएगी तब आप यूट्यूब पर जाके देख लीजिएगा अगर आपको मेरे ओपिनियन सुनने के बाद देखने का मन करता हो। तो आइए बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो फिल्म तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट लंबी है, जिसे देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है उसे अगर आपको मैं एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो लूका एक डिसेंट वॉचेबल फिल्म है, उन्हीं लोगों के लिए जो लोग फिल्म देखते वक्त सिर्फ फिल्म की कहानी पर ध्यान नहीं देते हैं, फिल्म में जो सब चीजें चल रही हैं, एक फ्रेम में जो सब चीजें कैप्चर हो रही हैं, उन सभी चीजों में एक एक चीजों में डिटेल जो दिखाया जा रहा है मेकर्स के द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा, हर एक चीज को अगर ऑब्जर्व करने वाली ऑडियंस में से हो आप, तो आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हो। फिल्म एक अच्छी खासी वॉचेबल फिल्म साबित होगी। अदरवाइज फिल्म के एक डायलॉग में टॉविनो थॉमस खुद ही बोलते हैं कि हर चीज आपको स्पून फीड नहीं करवाई जा सकती है, आर्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास उसे समझने का समय हो। तो इसी लाइन से आप समझ लीजिए कि यह फिल्म आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। अगर आप फिल्म को केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए या फिर बोर होने पर टाइम पास करने के लिए देखते हो तो शायद ये फिल्म आपको उतना कुछ एंटरटेन ना कर पाए। तो बात करें लूका फिल्म के बारे में, तो लूका एक रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, जिसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म का जो आइडिया था वो बहुत ही अच्छा था। साथ ही साथ इस फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट साबित होता है वो है यहां पर इसकी सिनेमेटोग्राफी। फिल्म को जिस तरह से शूट किया गया है, जिस तरह से एक एक फ्रेम को कैप्चर किया गया है, वो सही में बहुत ही खूबसूरत है। और जिस तरह से आर्ट के मीडियम के द्वारा यहां पे लूका और निहारिका के कैरेक्टर को फिल्म के कनेक्ट किया जाता है, चाहे बात करें एग्जीबिशन वाले सीन की, चाहे बात करें पेंटिंग वाले सीन की, हर एक सीन में आपको एक अलग टाइप के इमोशंस, एक यूनिकनेस नजर आएगी। किसी भी रोमांटिक स्टोरी को स्टार्ट करने के लिए जिस तरह का अप्रोच होता है, उस अप्रोच के अंदर आपको एक यूनिकनेस नजर आएगी। और इन सभी चीजों को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैप्चर करते हुए प्रेजेंट किया गया है, जिसे देखने में सही में काफी मजा आता है। साथ ही साथ इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है फिल्म में वो भी बहुत ही प्यारी है, और लव स्टोरी के अंदर ऐसे काफी सारे फील गुड वाले मोमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो इस फिल्म के रोमांटिक ट्रैक के अंदर एक अच्छा खासा फील देने में कामयाब रहती है। टॉविनो थॉमस और अहाना कृष्णा, इन दोनों की परफॉर्मेंस फिल्म में सही में बहुत ही कमाल की है। ये दोनों कैरेक्टर कहीं ना कहीं अपने अंदर एक दर्द, एक अकेलापन लेकर चल रहे होते हैं, और बाद में इस किस्म के कैरेक्टर जिस तरह से साथ में मिलते हैं, एक दूसरे के अंदर कुछ अपनापन ढूंढते हैं, उसके अंदर जो एक फीलिंग, जो इमोशंस होते हैं, उन सभी चीजों को इन दोनों एक्टर्स ने अपने परफॉर्मेंस के द्वारा इन सभी चीजों को बहुत ही कमाल तरीके से
प्रेजेंट किया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक रोमांटिक मिस्ट्री फिल्म है, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर फिल्म को दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूं, रोमांटिक ट्रैक और मिस्ट्री ट्रैक, दोनों ट्रैक्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो कह सकते हैं कि जो रोमांटिक लव स्टोरी थी उसके अंदर वो फील आपको देखने को मिलेगा जो आप एक रोमांटिक स्टोरी में देखना पसंद करते हो। पर वही दूसरी तरफ अगर आप मिस्ट्री सेक्शन को देखोगे तो उसके अंदर आपको वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा कि जो फिल्म के अंदर एक अच्छी खासी मिस्ट्री को क्रिएट कर पाए। सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि फिल्म की शुरुआत से ही यहाँ पे लूका को जो बीमारी है उस बीमारी को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। बाद में स्टोरी में जिस तरह से चीजें देखने को मिलती हैं वो सभी चीजें कहीं ना कहीं एक अंदेशा दे देती है कि आखिर में जाके क्या होने वाला है। और साथ ही साथ पूरी फिल्म के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स को यहाँ पर सस्पिशियस दिखाया जाता है उन कैरेक्टर्स के अंदर भी वो गहराई हमें देखने को नहीं मिलती या फिर उन्हें उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया जाता है कि हमारा जो शक है वो पूरी तरह से उन पर बन सके। और मेरे लिए मैं अपने केस में कहना चाहता हूं कि क्लाइमैक्स में जो सब चीजें देखने को मिलती हैं उन चीजों को मैंने फर्स्ट हाफ में ही कह लूंगा कि शुरुआत में ही प्रेडिक्ट कर लिया था। तो कह सकते हैं कि मिस्ट्री सेक्शन को और थोड़ा अच्छी तरीके से बनाया जा सकता था। इसके अलावा बात करूं क्लाइमैक्स की, तो क्लाइमैक्स सही में हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोगों को थोड़ा सा इमोशनल कर दे, पर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि डायरेक्टर ने एक पूरी फिल्म के अंदर कहीं पर भी ओवर ड्रामेटिक या फिर इवन ड्रामा को भी बहुत ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है। उसके बावजूद भी उन्होंने कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट करवा लिया था, जिसके लिए उनकी तारीफ करना तो बनता है। पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्लाइमैक्स पोर्शन को थोड़ा और इमोशंस के साथ अगर प्रेजेंट किया जाता ना तो अच्छा लगता, मजा आता और इम्पैक्ट जो है और अच्छा होता, क्योंकि कहानी में जो मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की गई थी वो पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस को थोड़ा और अगर पीक दिया जाता तो क्लाइमैक्स और अच्छा इम्पैक्टफुल हो सकता था। फिल्म का म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, अगेन सभी चीजों को बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे शूट किया गया है। तो ओवरऑल कहा जाए तो लूका कोई मस्ट वॉच फिल्म तो नहीं है, पर ये फिल्म कोई खराब फिल्म भी नहीं है, ये एक अच्छी खासी देखने लायक फिल्म है। अगर आप एक रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा को एक आर्टिस्टिक टच के साथ देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा। फिल्म में काफी कुछ ऐसा है जो अगर आप डीपली समझने की कोशिश करोगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।